हम जो क्वेश्चंस हैं आए हुए सीबीएसई के तो उन्हें ही कर रहे हैं, और भी सेकंड चैप्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि PA1 में फर्स्ट चैप्टर ही आना है तो उसी को पक्का कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई का, इसमें तो बोला गया कि पूरे सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, है ना, आई एम फाइंड करना करंट। तो अगर हम देखें करंट यहाँ से डिवाइड हुई होगी, यहाँ से लेवल करंट आई और यहाँ जाने का कुछ करंट इस साइड कुछ करंट इस साइड, जो करंट यहाँ गई होगी वही करंट वहाँ पहली बार पार्ट गई होगी, जो करंट यहाँ गई होगी वही वाली करंट इसमें गई होगी। ठीक है, यहाँ गई होगी वही करंट इस साइड इस साइड इस टाइप से। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों क्या होंगे सीरीज में, है ना, दोनों करंट सेम है, ये दोनों क्या होंगे सीरीज में। ठीक, फिर ये दोनों कैसे रहेंगे पैरेलल में, ऐसे इसमें ये दोनों सीरीज ये दोनों सीरीज ये पैरेलल। ठीक, ये काम कर रहे हैं, ये फाइंड कर रहे हैं पहले वन का और फोर का सीरीज, वन कॉमा फोर क्या निकालेंगे सीरीज, क्या होता है फॉर्मूला, आर इक्वल आर वन प्लस आर टू यानी कि फाइव, ऐसे नीचे फोर का और वन का क्या निकालेंगे सीरीज, कितना आ गया आर इक्वल फोर प्लस वन कितना आ गया फाइव ओम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो फाइव आ चुका है और ये जो फाइव आ चुका है, ये दोनों कैसे हो गया आपस में पैरेलल में, ठीक है, इनका पैरेलल निकाल लेंगे, तो फाइव ओम का और फाइव ओम का क्या निकाल लेंगे पैरेलल, तो क्या लगा वन अपॉन आर इक्वल वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर, ऐसे कितना गया फाइव टू, तो आर इक्वल टू लगा के फाइव अपॉन टू, ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, कितने पार्ट, तो अगर हम देखें बिल्कुल जैसे केस क्या है इसमें है, ठीक है, फोर और वन तो फोर बनते ही रहे, ऐसे ही वन और फोर यही है। ठीक है, तो इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज और इन दोनों का पैरेलल, तो ये डायग्राम भी सेम जैसे ही है। ठीक, तो ये गलत नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट ही लूंगा सिमिलरली, सिमिलरली कितना है फोर का और वन का क्या हो सीरीज होगा इसमें भी, कितना आर वन प्लस आर टू फोर प्लस वन फाइव ओम, ऐसे ही वन का और फोर का सीरीज, कितना ये भी फाइव ओम लगा निकल रहे हैं। ठीक है, और फिर फाइव फाइव का क्या निकाला पैरेलल, पैरेलल कितना वन अपॉन आर और इक्वल वही वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, तो यानी टू अपॉन फाइव या इक्वल जा रहे हो फाइव अपॉन टू। ठीक, हमने 11 पार्ट सॉल्व कर लिया और हमने 11 पार्ट सॉल्व कर लिया, तो अब तो वहां पर न्यू डायग्राम आएगा किस टाइप से आएगा, एक तो वहां पर सेमी नॉन था, इधर वो है सेमी नॉन का, इसकी टोटल ये कितना निकल गया हमारे पास, कितना फाइव अपॉन टू, एक गया यहाँ पर फाइव अपॉन टू, फिर इसका इंटीग्रल टोटल कितना गया फाइव अपॉन टू, एक गया फाइव अपॉन टू, नीचे लगी हुई है बैटरी 6 वोल्ट की, तो ये हमारे पास फाइव अपॉन टू, ये भी हमारे पास कितना है फाइव अपॉन टू। ठीक है, ये कितना हमारे पास सेवन हो, ठीक है, ये कितने वोल्ट बैटरी 6 वोल्ट, तो जो फाइव अपॉन टू है फाइव अपॉन टू है और सेवन है, ये कैसे हो गए हमारे पास सीरीज हो गए। ठीक है, इनका सीरीज फाइंड कर रहे हैं, इनका सीरीज फाइंड कर रहे हैं कितना लगा दिए, यानी आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो सेवन प्लस इन्हीं सोल्व होगा पहले सबसे दोनों को तीनों पार्ट एज इट ना गेट टू फाइव फाइव नंबर टेन टू फाइव क्या टेन जैसे सेवन प्लस फाइव कितना गेट टू एल्व ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना गया हमारे पास 12 ओम। ठीक, वोल्टेज में कितना रखे 6 वोल्ट करंट फाइंड करनी है, तो क्या पढ़ा था वो ओम का वी इक्वल आई आर, तो आई इक्वल कितना आया फिर वी अपॉन आर, वी वी की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आर की वैल्यू कितनी 12 12, 6 2 12, तो 1/2 एम्पीयर करंट आ गया आई इक्वल 1/2 मीन्स 0.5, ठीक है, एम्पीयर करंट आ गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे डायग्राम गिवन है और हमसे पूछा गया है कि करंट आई वन करंट आई टू और करंट आई थ्री फाइंड करो, ठीक है, और टोटल करंट फाइंड करो कितनी है, तो डायग्राम में देख रहे हैं
करंट अगर यहाँ से आई जा रही थी हमारे पास, तो आ रहे थे कुछ करंट इस साइड गई, कुछ करंट इस साइड गई, कुछ करंट इस साइड गई, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस डिवाइड हो गए, ठीक है, आई वन आई टू आई थ्री। तो करंट डिवाइड होने का मीन क्या होगा, ये तीनों कैसे हो गए आपस में पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 5 वोल्ट, जो इसके लिए हमारे पास 6 वोल्ट होंगे, इसके लिए भी 6 वोल्ट होंगे और इसके लिए भी 6 वोल्ट होंगे, V की वैल्यू तीनों के लिए क्या होगी, 6 वोल्ट होगी, ठीक है। तो ये हम करेंगे, तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, यानी कि V तो सबके लिए है हमारे पास 6 वोल्ट है और रेजिस्टर हमारे पास पहला ही गिवन है, तो I1 क्या काम करो V इक्वल IR, तो I इक्वल कितना होगा V / R, ठीक है, I1। तो V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है सबके लिए, R की वैल्यू कितनी है 5 ओम, तो करंट कितने के हमारे पास डिवाइड कर लेंगे इतने एम्पीयर, ठीक है, ऐसे आई टू फाइंड कर लेंगे V / R2, तो V की वैल्यू कितनी है 6, R2 की वैल्यू कितनी है 10, कितना रहेगा 0.6 एम्पीयर I2, ठीक है। और ऐसे आई थ्री फाइंड कर लेंगे, कितना रहेगा V और / R, R कितना 30 ओम, तो कितना रहेगा हमारे पास 0.2 एम्पीयर I3, ठीक है, याद। तो अगर हमें टोटल करंट फाइंड करनी है तो I इक्वल टू कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 1.2 है, I2 0.6 है और I3 0.2, ठीक है, तो कितना आएगा 2 है ऐड कर, तो टोटल करंट ये आ गए और अलग अलग करंट ये आ गए I1 I2 और I3, ठीक है, ये जाएगा। इस टाइप से आप इन दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें करंट I1 बुझ रही है और I2 बुझ रही है, टोटल करंट फाइंड करनी है, ठीक है, ये 5 ओम है, ये 2.5 है ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और इसमें भी 5 ओम 5 ओम लगा हुआ है और 5 वोल्ट की बैटरी लगी, टोटल करंट यहाँ कितनी गई होगी वो फाइंड करनी है, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में।